हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हमारे नॉलेज ऑफ शिक्षा एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे दोस्तों बेनिफिशियल इंसेक्ट एंड पेस्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट का। वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ेंगे है जो आपके मैं परीक्षा के लिए अति उपयोगी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले आया हूँ जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। जो लोग हमारे नए चैनल पर आए हैं हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए दोस्तों मैं शुरू करता हूँ। मधुमक्खी का मुख्य नाशी कीट कौन सा है? ए आपका उत्तर है ए बी एंटर वेस्पा सिनिक्ट, बी आपका बी हंटर वास्प फिलेरस और ओरिएंटेलिसिस, सी आपका ग्रेटर वैक्स मॉथ गिलेरिया मेलनेला, डी आपका उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर दोस्तों उपरोक्त सभी आंसर सही है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। मधुमक्खी के लिए सुरक्षित कीटनाशी है? ए आपका उत्तर है मेलाथियान, बी आपका उत्तर है मिथाइल पेरिथियान, सी आपका एंडोसल्फान और डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है दोस्तों सी एंडोसल्फान सुरक्षित कीटनाशी है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। मधुमक्खी का जहर जो कि अम्ल ग्रंथि से निकलता है वह किस काम आता है? ऑप्शन ए जोड़ों के दर्द को ठीक करने के, बी आपका ग्रेटर वैक्स मौत के विरुद्ध रिप्लेंट में, सी आपका परागण के लिए, डी आपका उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर दोस्तों आपका जो ए सही है जोड़ों को दर्द ठीक करने के लिए। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। मधुमक्खी में क्यून पदार्थ कहाँ से स्रावित होते हैं? ए मैंडिबुलर ग्रंथि, बी आपका अम्ल ग्रंथि, सी आपका फ्रेंजल ग्रंथि, डी आपका मोम ग्रंथि। तो इसका उत्तर दोस्तों आपका ए सही है मैंडिबुलर ग्रंथि। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला पॉइंट पढ़ते हैं दोस्त। मधुमक्खी में किस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर दोस्तों है ए रेस्पिंग और चूसने के, बी आपका चबाने और काटने के, सी आपका है चबाने और काटने के, डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर दोस्तों है बी सही है चबाने और काटने के लिए, चैबिंग एंड लोपिंग टाइप। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। किस वैज्ञानिक ने मधुमक्खी में संचार विधि का अध्ययन किया? ए आपका कार्ल वान फ्रिच, बी आपका एच एम लोफ्रे, सी आपका एच एम प्रूथी, डी आपका रोनाल्ड रोस। तो इसका उत्तर आपका है ए कार्ल वान फ्रिच। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। लाख के कीड़े का वैज्ञानिक नाम क्या है? ए लेसिफेरिलाका, बी आपका एपिस डोरसेटा, सी आपका आर्टोकार्पस हेट्रोफाइलस, डी आपका जिज्फस स्पीसीज। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाला है। मैं वही आपको क्वेश्चन में कराता हूँ जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी और सही हो। तो इसका उत्तर दोस्तों आपका ए सही लेसी फेरा लाका आपका उत्तर सही है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। वह कौन सी ग्रंथि है जो लाख श्रावण मदद करती है? ए फिलिप ग्रंथि, बी आपका इसी वटा ग्रंथि, सी आपका रेंजन ग्रंथि, डी आपका लाइनोटा ग्रंथि। तो इसका उत्तर दोस्तों आपका इसका उत्तर आपका सी सही है रेंजन ग्रंथि। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। रंगीनी स्ट्रेन संबंधित है? ए मधुमक्खी से, बी आपका सिल्क वार्म से और सी सही आपका लाख कीट से, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर आपका दोस्तों सी सही लाख कीट से रनगिनी स्ट्रेन सम्मिलित होता है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। कीट कार्की के जनक हैं? ए स्टर्लिंग, बी आर स्पेंटर, सी ग्लोसावर्थ, डी स्नोड ग्रास। तो इसका उत्तर आपका सी सही है विगले स्वार्थ। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सर्वहारी कीट है? धान का स्टेम बोरर, बी आपका आम का हाफर,
और सी आपका आम का नट बीवल, डी आपका है दीमक। तो इसका उत्तर दोस्तों आपका डी सही है, दीमक। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, केचुए की बीट है एक वर्मी कंपोस्ट, बी है वर्मी खाद, सी है आपका वर्मी कास्टिंग, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर दोस्तों आपका सी सही है, वर्मी कास्टिंग। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, भारत में सबसे अधिक शहद किस मधुमक्खी से प्राप्त होता है। तो इसका उत्तर तो ए छोटी मक्खी, बी आपका भारतीय मक्खी, और सी आपका इटालियन मक्खी, और डी आपका राख मक्खी। तो इसका उत्तर दोस्तों आपका है डी, राख मक्खी से आपको शहद प्राप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों, मैंने आपको वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हूँ जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हूँ। जो लोग हमारे नए चैनल पर हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें। धन्यवाद दोस्तों।